टेकविथ है क्योंकि एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप भी एक CSCVLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आ चुके हैं आप सभी के लिए CSC की एक और नई सर्विस की जानकारी लेकर, जिसमें बेसिकली आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में आप सस्ते दामों में स्टूडेंट को उसका मनपसंद कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके CSC पोर्टल से लॉग इन हो जाना है। इसके बाद आप नीचे और में स्क्रॉल करेंगे और आपके यहाँ पे न्यूली अलाइव इस वाले सेशन पे आ जाना है। एक नई सर्विस आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है, अर्थ केयर फाउंडेशनल एजुकेशनल सर्विस। अगर आपको आपके CSC पोर्टल में सर्विस देखने को नहीं मिलती है तो आप अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, इसके बाद में सर्विस आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है। या फिर आपको सर्विसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सर्विस देखने को मिल जाती है। नीचे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाता है। CSC एकेडमी की तरफ से दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट के लिए इस सर्विस को लाइव किया गया है, जिसमें आपको बेसिकली स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में आप सस्ते दामों में स्टूडेंट का मनपसंद कोर्स उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट का किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं, इसके बाद में स्टूडेंट की एक यूजर ID और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, जिसे कि आपको स्टूडेंट को दे देना है और स्टूडेंट इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी यूजर ID के माध्यम से यहाँ पे लॉग इन कर पाएगा और अपने कोर्स को स्टडी कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप एक CSCVLE हैं तो आपके यहाँ पे नीचे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपका जो डैशबोर्ड है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ चुका है। CSC एकेडमी की तरफ से दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट उड़ान 2.0 लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपने अभी तक इस पोर्टल में कितने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जिनका भी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, जिनका भी यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग में होगा और जितने भी अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं उनकी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे साइट में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे किसी कोर्स में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऐड कैंडिडेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन पेज आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाता है। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद में फादर नेम इंटर करेंगे, ईमेल ID आपको इंटर कर लेनी है, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपको स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड नंबर आपके यहाँ पे फिल कर लेना है। नीचे आपके यहाँ पे एक कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। इस पोर्टल में कौन कौन से कोर्स हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आप यहाँ पे व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो किस कोर्स का कितना प्राइस है, ड्यूरेशन टाइम जो भी होगा उनकी डिटेल आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे इस चार्ट में चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से कोर्स इस पोर्टल में लाइव किए गए हैं, उनकी जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही में कौन सा कोर्स कब तक अवेलेबल है, उसका जो भी मार्केट प्राइस होगा और आपके यहाँ पे कितने परसेंट डिस्काउंट में कोर्स अवेलेबल किया जा रहा है, सारी डिटेल आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से कोर्स को चेकआउट कर लेने के बाद में आपको सिंपली जिस भी कोर्स में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है आपको उस कोर्स का सिलेक्शन यहाँ से कर लेना होगा। इसके बाद में आपको स्टूडेंट के फादर का जो भी ऑक्यूपेशन होगा आप यहाँ पे इंटर करेंगे, फैमिली की जो भी ग्रॉस एनुअल इनकम होगी आपके यहाँ पे इंटर कर लेनी है। इसके बाद में स्टूडेंट की 10th की जो भी परसेंटेज होगी आपके यहाँ पे फिल कर लेनी है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको एक वेरिफिकेशन टाइप डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, साइड में आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद में नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी कोर्स आप यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं उसका अमाउंट आपको आपके CSC वॉलेट के माध्यम से पे कर लेना है। इसके बाद में स्टूडेंट का ID और पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है, जिसे कि आपको स्टूडेंट को दे देना है। बाकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में स्टूडेंट को किस तरीके से लॉगिन करना है इसकी जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये थी CSC की एक और नई सर्विस की जानकारी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो CSC से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ।